गांव की है। छोटे से गांव में एक घर था जो लूट गया था। वहां के लोगों ने कंप्लेंट की पुलिस स्टेशन में और वेट कर रहे थे कि कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएगा। उन लोगों के लिए चोरी होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गांव में ऐसी चोरियां नहीं होती थी। थोड़े दिन गुजर गए, वो लोग फिर से पुलिस स्टेशन गए कमिश्नर को पूछने के लिए। सर क्या हुआ, पुलिस स्टेशन से कोई अभी तक आया क्यों नहीं चोरी की पूछताछ करने के लिए? कमिश्नर ने कहा, क्या तुम लोगों ने चोरी की रिपोर्ट की थी? हाँ सर, बहुत दिन हो गया है हमें रिपोर्ट करके, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कमिश्नर, ओके, मैं पुलिस ऑफिसर से बात कर तुम लोगों को बताता हूँ। वो कमिश्नर फिर पुलिस स्टेशन जाता है ये मालूम करने के लिए कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। फिर कमिश्नर ने ऑफिसर से सवाल किया, जिस पर उसने कहा, सर मैं तो गया था घर पर रिपोर्ट लिखने के लिए। कमिश्नर सोच में पड़ गया, आखिर दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, वो ये सोचने लगा। फिर उस कमिश्नर ने रिपोर्ट मांगी ऑफिसर से। सर जब मैं वहां गया तो घर पूरा बिखरा हुआ था, ड्रॉर खुले हुए थे और चेयर नीचे गिरी हुई थी। वहां एक बुक थी जिसका पेज ओपन था 11 और 12 नंबर पे। वहां सोफे पर मैगजीन्स थी और टूटा हुआ ग्लास था टेबल पर। ऑफिसर की पूरी बात सुनकर कमिश्नर फौरन ही ऑफिसर से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कमिश्नर को कैसे पता लगा कि ऑफिसर झूठ बोल रहा है, क्या आप बता सकते हो? इसका आंसर कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और बताइए कि कमिश्नर को कैसे पता लगा, ओपन बुक की वजह से या टूटे हुए ग्लास की वजह से या मैगजीन सर खुले हुए ड्रॉअर की वजह से। बुक की वजह से, क्योंकि ऑड और इवन नंबर हमेशा सेम पेज पर होते हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4 हमेशा सेम पेज पर होते हैं, इसलिए 11 और 12 भी सेम पेज पर होंगे। इसका मतलब वो ऑफिसर झूठ बोल रहा था, उसने कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखी। आई होप कि आप सब ने भी यही आंसर गैस किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।